राम मंदिर को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की प्रतिक्रिया सामने आई है। ताई का कहना है कि आज से राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ताई ने कहा कि भगवान श्री राम गुणों का संकलन है। आज अगर किसी से पूछो कि पति कैसा चाहिए तो वो कहती हैं प्रभु रामचंद्र जैसा, भाई कैसा चाहिए तो भगवान रामचंद्र जैसा, मित्र कैसा चाहिए तो प्रभु रामचंद्र जैसा। प्रभु श्री राम के चरित्र से हमें नर से नारायण बनने का रास्ता मिलता है। ताई ने श्री राम मंदिर निर्माण पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ही नहीं यहाँ से बाहर रहने वालों के मन में भी भगवान श्री राम के लिए अटूट प्रेम है। ताई ने उनके साउथ कोरिया के दौरे का भी एक वृतांत सुनाया, आप भी सुनिए। प्रभु रामचंद्र का मंदिर बनना अब शुरू हो जाएगा और कई लोगों ने, जैसा हम बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का केवल आंदोलन नहीं कहूंगी मैं, ये तपस्या ही थी, हर एक के मन की तपस्या। वैसे तो चाहे हिंदुस्तान के तो हर व्यक्ति मन से प्रभु राम को चाहता है, क्योंकि उनमें जो गुण है ये गुणों का संकलन है कि मुझे पति कैसा चाहिए तो प्रभु रामचंद्र जैसा, मुझे भाई कैसा चाहिए तो रामचंद्र जैसा, मित्र कैसा चाहिए तो रामचंद्र। तो ये कहीं से नर से नारायण बनने का एक रास्ता मुझे लगता है प्रभु राम के पूरे चरित्र से हमें मिलता है। और ऐसे प्रभु राम के मंदिर बनने के लिए अब शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद आ रहा है। मुझे एक बात याद आ रही है कि केवल हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी किस प्रकार से अयोध्या के लिए और रामचंद्र के लिए, प्रभु राम के लिए प्रेम है। मैं साउथ कोरिया गई थी और साउथ कोरिया के बुसान करके एक जगह, बुसान स्टेट है, उस बुसान में गिमे करके एक स्टेट जगह है, और वहाँ के जो राजा थे किम सुरी, और उनकी जो पत्नी थी वो अयोध्या की राजकुमारी थी। वो एक पूरी कथा है वैसे कि मैं बात इतनी कहना चाहूँगी कि वो अयोध्या की राजकुमारी, कहते हैं उस जमाने में, आज से तीसरी चौथी शताब्दी की बात शायद होगी वो, कि उस समय सपना आया कि नहीं, वहाँ बैठा हुआ वो मेरा पति है, उस स्टेट का, गिमे का, और उस राजा व राजकुमार से शादी मेरी होना है। तो ये 14-15 साल की पिता ने भी रवाना किया उसको, नाव में बैठ के बड़ी नाव दे दी, और ये सब कथा है। मगर मैं जो आपको कहना चाहूंगी, आज भी वो रानी और राजा, उनको लोग बहुत मानते थे, आज उनका वहाँ पे स्मारक बना हुआ है और अत्यंत आदर के साथ लोग वहाँ पर हमें ले जाते हैं, दिखाते हैं कि ये हमारे राजा और रानी का, किम सुरी बोलते हैं उनको, उनका ये क्षेत्र। और मंदिर में जाओ उस प्रकार से उनका वेश धारण करके वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जो भी आपको मतलब वंदन करना तो वो ले जाते हैं, और उसके एक प्रोसेशन जैसा भी होता है, प्रोसेशन है। मगर मैं जो आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत आश्चर्य लगा, श्रद्धा। कई बार हमें लगता है हम हिंदुस्तान के लोग ही बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखें विश्व में हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ श्रद्धा। वहाँ एक मैंने देखा कि एक जगह पे जो स्मारक बनाया है उसमें एक कोने में बहुत सारे ऐसे पत्थर, एक करीब करीब 25-30 से ज़्यादा पत्थर ऐसे रखे हुए थे रच के, और उसको ऐसा कॉर्डन किया हुआ था, बंद किया था कि कोई अंदर प्रवेश नहीं करे। मेरे समझ में नहीं आया, मैंने वहाँ पूछा कि ये पत्थर क्यों रखे और उसको जैसे इतना सुरक्षित क्यों रखा, उन पत्थर तो बहुत पुराने लग रहे थे या जो भी हो। तो मुझे उनकी उसकी कहानी सुनाई गई, बोले ये जो पत्थर है वो जो राजकन्या, वो राजकन्या अयोध्या से जिस नाव में, बड़े नाव में बैठ के आई थी, और वो राजकन्या जब नाव में आई तो उस नाव में नाव का संतुलन रखने के लिए, मुझे भी वहाँ मालूम पड़ा, उस जमाने में पत्थर रखते थे नीचे कि नाव का संतुलन बिगड़े नहीं, इसलिए वजन रखने के लिए वो रखते थे। तो उसके वो बड़े नाव में वो पत्थर रखे हुए थे, नाव का इतने दूर जाना है समुद्र में तो नाव का संतुलन नहीं बिगड़े पर, और इसलिए वो पत्थर थे। वो वहाँ पहुँच भी गई, अपने लोग जो साथ में थे उनको, कुछ सैनिक थे, बहुत सारा सोना जो भी उसको पिता ने दिया होगा वो सब लेके वहाँ पहुँच गई थी।
तो वो सब सामान जो रखा था, तो ये पत्थर भी थे और ये पत्थर भी एक जगह रखे गए थे। होता ये चला गया धीरे धीरे, क्योंकि वो रानी भी बहुत प्रसिद्ध हो गई, राजा भी बहुत लोग चाहने लगे और बोले ऐसा होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि वहां से जहाज से, पानी के जहाज से बहुत सारा व्यापार आज भी होता है, उस जमाने में भी होता था। तो जब कोई व्यापार के लिए निकलता था तो वो 6-6 महीने तक तो वापस नहीं आते थे, पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, साल साल भी लग जाता था। तो जाते समय उनपे ऐसी श्रद्धा थी कि इतने दूर हिंदुस्तान से ये रानी उस नाव में बैठ के आई, अपना संतुलन नाव में रखने के लिए ये पत्थर थे, तो ये पत्थरों में कुछ ताकत है। तो बोले कोई भी नाविक निकलते थे तो वो थोड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लेके जाते थे साथ में कि मेरे नाव में भी ये रहेगा, एक प्रकार से पवित्र पत्थर जैसा हो गया। तो बोले हमें फिर लगने लगा ऐसे होते होते तो सब पत्थर नष्ट हो जाएंगे, तो हमने उन पत्थरों को यहाँ सजा के रखा और अब हम किसी को देते नहीं है, हमने थोड़ा कॉर्डन करके रखा है, मगर लोग इस पत्थर को भी पवित्र मानते हैं कि वो सुरक्षित आ गई, मतलब ये पत्थर उस सुरक्षितता के लिए कारण है, कहीं ना कहीं पत्थर पवित्र हो गए। तो ऐसा वहाँ पे और बहुत उनके मन में प्रेम है भारत के लिए, अयोध्या के लिए, उस समय भी उन्होंने मांग रखी थी, अब उनको जगह मिल गई। मैं उस स्पीकर थी, मैंने ऊपर तक बात भी पहुँचाई थी कि वो बोले हमें अयोध्या में अगर थोड़ी सी जगह मिले तो हम वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक इस प्रकार का, क्योंकि हमारी जो रानी थी वो वहाँ की राजकुमारी, हमारा नदीहाल है, अब वहाँ बनाने जा रहे हैं कुछ जगह, उनको बहुत ज़्यादा चाहिए थी, उनकी तो नहीं दे पाई सरकार, मगर दी है जगह। और ऐसे मतलब प्रभु राम की कहानी, प्रभु राम की श्रद्धा, अयोध्या की श्रद्धा ऐसी पूरे देश विदेश में, और आज हमारे वो प्रभु राम का मंदिर, आज भी हम बोलते हैं राम का नाम लो मन को शांति है वो, उसके ये कोई धर्म की बात नहीं, मुझे लगता है गुणों से जुड़ी हुई, उसका जो चरित्र है वो चरित्र से जुड़ी हुई यह आस्था है, और आज ये आस्था महाराम मंदिर के रूप में साकार हो रही है। मैं सबको बधाई देती हूँ, हम सब अपने अपने घर में ध्वज तो लगाएंगे ही, वहाँ दिए भी लगाएंगे ही और अपना आनंद प्रकट करेंगे।